कीलें बंदी कर दी गई है, यानी कीलें और नश्तर दिल्ली की चौतरफा सड़कों पर जमीन में गाड़ दिए गए हैं। यही नहीं, कंटीले तारों की दीवारें बना दी गई। तीसरा, पड़ोस में हरियाणा की भाजपा सरकार ने पंजाब और हरियाणा के बीच रतिया और बुढ़लाडा रोड के बीच 10 फीट गहरी और 15 फीट चौड़ी खाई बना दी है, जैसे दो दुश्मन देशों के बीच में बनाते। हांसी हरियाणा में जो है उसके निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैयड़ टोल है, सरकार ने वहां जेसीबी मशीनें लगा 50-50 फुट गहरे गड्ढे बना दिए, सीमेंट बैरियर पर सीमेंट भरकर एक कंक्रीट की दीवार राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ी कर दी गई है। कैथल हरियाणा में खाई खोदकर कंटेनर्स, डंप्ड व्हीकल्स, सीमेंट बैरिकेड्स वो लगाकर एक पूरी दीवार खड़ी कर दी गई है। चौथा पहलू, पंजाब और हरियाणा के बीच घग्गर नदी है और घग्गर नदी का पुल है, आप सब जानते हैं। उस पुल पर, पूरे पुल पर लोहे के बड़े बड़े कंटेनर्स के साथ साथ कील और नश्तर गाड़ दिए गए, पुल को खोदकर कंटीली तारबंदी कर दी गई है, बड़े बड़े पिलर्स और पुराने वाहन की चेसियां लगाकर पूरा बॉर्डर सील कर दिया गया है, जैसे ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर हो या दो दुश्मन देशों का बॉर्डर हो। पांचवा, पूरे हरियाणा पंजाब, पड़ोस में दिल्ली से सटे राजस्थान और इधर उत्तर प्रदेश के पड़ोस में दिल्ली से सटे जिलों में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं, शट डाउन कर दी गई हैं, वो भी तब जब बोर्ड एग्जाम सर पर है और बच्चों को हर रोज आवश्यकता है। दिल्ली के चारों तरफ के जिलों में मौखिक हिदायत दी गई है कि किसी किसान के ट्रैक्टर में 10 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं डाला जाएगा, कोई पेट्रोल पंप डाल ही नहीं रहा, अब उन्होंने डीजल डालना ही बंद कर दिया है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने कर्नाटक और दूसरे राज्यों से आ रहे किसानों को जबरन ट्रेन रुकवाकर उतारकर गिरफ्तार कर लिया है। साथियों, चौतरफा जुल्म का आलम है, अन्नदाता किसान की न्याय की हुंकार से डरी मोदी सरकार एक बार फिर 100 साल पहले अंग्रेज द्वारा दमनकारी 1917 के बिहार के चंपारण किसान आंदोलन, 1918 के गुजरात के खेड़ा किसान आंदोलन, 1920-21 के अवध के किसान आंदोलन की दमनकारी नीतियों की फिर याद दिला रही है। जो किसान है अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अब दिल्ली हरियाणा सारे बॉर्डर्स पे। देखिए, जहाँ तक किसानों की मांग का सवाल है, केंद्र सरकार को तुरंत उनसे बात करके और उनकी बात माननी चाहिए। तरीका किसानों की दिल्ली कॉल है और जिस तरह की सरकार बातचीत करके जो सरकार ने किसानों से समझौता किया था, उन बातों की मांगों को जो है सरकार बातचीत के जरिए समाधान करने का काम करे। सर, किसान अपने MSP की जो मांग है वो जायज मांग है, उनसे बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से समझौता किया जाए। किसान आंदोलन क्योंकि मध्य प्रदेश, खास करके मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है और किसान ही आर्थिक गतिविधि पैदा करते हैं। किराने की दुकान गाँव में चलती है जब किसान की जेब में पैसा होता है, पर MSP ना मिले, किसानों के साथ लगातार ये अन्याय होता रहा है। अब सबसे मिनिमम डिमांड तो MSP की होनी चाहिए, उनके साथ कम से कम सही भाव तो मिले, ये बहुत आवश्यक है। सर, जो किसान दिल्ली जा रहे हैं उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है, भोपाल में भी कुछ लोग गिरफ्तार किया है, ये तो करेंगे क्योंकि ये उजागर ना हो बात।